अस्थायी जेल तोड़कर तीन कैदी हुए फरार, एक पकड़ा गया। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज के अस्थायी जेल से तीन कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए, जिसमें हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने खोजबीन करते हुए तत्काल एक कैदी को पकड़ लिया, पर दो कैदी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मामले को समझने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। हम केयरटेकर के काम तो आपको पता नहीं चला? हमारी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं थी? हमारा देख रेख काम है, मतलब साफ सफाई, यही कब भागे हैं, कब अब इसको पता चल रहा है कि 1 बजे करीब पता लगा, 12:30। अच्छा, तब सूचना दी पुलिस? हाँ, सबको सबको पता लग गया रहते। अच्छा, कहाँ कहाँ थे कैदी, कुछ पता चला? कहाँ कहते कैदी वो सब? ये सब मेरे बारे में नहीं पता, नहीं उसको दर्ज हुआ उसमें। देखिए, जैसा कि ये कोरोना संक्रमण का जब दौर प्रारंभ हुआ और जनपद सोनभद्र के जिला कारागार में कुछ कैदी कोरोना से पॉजिटिव आए, तो इस जनपद में एक टेम्पररी जेल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उस जेल में उनको निरुद्ध किया जाता था और निरुद्धि के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया जाता था और उसके उपरांत फिर एक्चुअल जिला कारागार में भेजा जाता था। इसी क्रम में जनपद के तीन थानों, थाना शक्तिनगर, थाना चौपन और थाना दुधी के तीन जो कैदी उसमें निरुद्ध थे, एक कल रात में उन्होंने अवसर का लाभ उठा करके और जंगले के माध्यम से वो फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र महोदय के निर्देशन में पूरे जनपद को अलर्ट किया गया, पूरी जनपद की टीमें लगाई गई और उसका परिणाम ये निकला कि उसमें से एक जो पास्को एक्ट का अभियुक्त था, उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दो अभी जो फरार चल रहे हैं, टीमें अनवरत अपना कार्य कर रही है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।